गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन ऑन पेंट, जिसमें हमने अगले लेक्चर में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कैसे करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था. अब हमें क्या सीखना है? हाउ टू सेव अ फाइल. तो सेविंग द वर्क इज इम्पोर्टेंट सो दैट द फाइल वुड नॉट गेट लॉस्ट इन सिचुएशन सच एज पावर फेलर. इसका मतलब क्या है कि हम जो भी पेंट पर वर्क करते हैं उस फाइल को हमें सेव करना पड़ता है. अदरवाइज क्या होता है, जब भी पावर सप्लाई फेल हो जाता है तब हमारा जो वर्क किया हुआ है या फिर जो हमने पेंट की हुई है वो लॉस हो जाती है. After completing your work in paint, you can save it by following steps. ये सारे steps की मदद से आप file को save कर सकते हैं. First है draw picture in paint. दूसरा step है go to the paint button and click on it. Select the save as option. You will see the save dialog box appearing on the screen. Go to the file name text box, enter the name of document and select the desired location of file by browsing the folder on the left side of the save as dialog box. जैसे कि ये मैंने पेंट में ड्राइंग बनाई है हाउस की, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पेंट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें सेव एज में जाना है. सेव एज पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स दिखेगा. तो ये सेव एज हमने क्लिक किया है और उसके बाद ये बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आ गया है. अब हमें क्या करना है, जो भी लोकेशन यानी कि जो भी फोल्डर में हमें सेव करना है हम कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप क्लिक किया है. डेस्कटॉप पर अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है उसका हम नेम लिखेंगे. तो यहाँ पर जो फाइल नेम है मैंने उसको हाउस के नाम से लिखा है. अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है. सेव करने के बाद हमारा जो टाइटल बार है पेंट का, उस पर हमारी फाइल का नेम आ गया है. ओपनिंग एंड एडिटिंग द एग्जिस्टिंग फाइल. जो भी फाइल हमने पहले सेव की हुई है उसे कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं. सबसे पहला स्टेप है गो टू द पेंट बटन एंड क्लिक ऑन इट. सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन ओपन. द ओपन विंडो इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज सेव. चूज द फाइल नेम यू वॉन्ट टू ओपन. और लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन द ओपन बटन. द ड्रॉइंग दैट यू हैव सेव विल गेट ओपन. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पेंट बटन में क्लिक करना है. पेंट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, ओपन पर भी क्लिक कर सकते हैं और जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है. तो हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट हाउस वाली फाइल बनाई थी उसे हम क्लिक करेंगे और ये हमारी जो फाइल है वो ओपन हो गई है. हाउ टू यूज द टूल ग्रुप. टूल ग्रुप को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमें सीखना है. द टूल ग्रुप कंटेन मैनी टूल्स. Each tool has different functions that help us in making a drawing. ये सारे जो tools हैं वो हमें drawing के लिए काम आते हैं. How to use any tool? सबसे पहले क्या करना है, Click on the tool. In the tool group, the tool will be selected. Drag the pointer to the drawing area. और third step है press and hold the left mouse button and drag the mouse to carry out the function. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये हमारे टूल्स है, ये पेंसिल है, ये इसके मदद से हम कलर कर सकते हैं, ए की मदद से हम टेक्स लिख सकते हैं, ये इरेजर है और
इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, माउस की मदद से हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पेंसिल टूल, द पेंसिल टूल वर्क लाइक अ पेंसिल। पेंसिल टूल जो है वो पेंसिल की तरह ही वर्क करता है। इट इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग। इसकी मदद से हम फ्री हैंड ड्रॉइंग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेंसिल टूल इन द टूल ग्रुप। सेकंड है क्लिक कलर वन फ्रॉम द कलर ग्रुप। ऑन चूजिंग अ कलर द पेंसिल ड्रॉ लाइक अ कलर पेंसिल। जब भी हम कलर पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो पेंसिल है वो कलर वाली ड्राइंग बनाती है। थर्ड स्टेप है ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। और लास्ट स्टेप है प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द पॉइंटर टू द ड्रॉ कर्व्स और फ्री फ्रॉम लाइन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो टूल्स है उसमें से पेंसिल वाला हम चूज करेंगे। तो ये पेंसिल वाला हमने चूज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी कलर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड वाला ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्री ड्राइंग की है। ब्रश टूल, द ब्रश टूल वर्क लाइक अ ब्रश। ब्रश टूल जो है वो ब्रश की तरह ही काम करता है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द ब्रश टूल इन द टूल ग्रुप। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द ब्रश टूल टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ ब्रश। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रश टूल पर क्लिक करना है। उसके बाजू में एक एरो अंडर एरो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद अलग अलग ब्रश के टाइप है वो हम चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस, उसके बाद हमें कलर को चूज करना है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। और लास्ट स्टेप क्या है, हमें माउस की मदद से ड्राइंग एरिया में ड्रॉ करना है। यहाँ पर ब्रशेस लिखा हुआ है और ये डाउन एरो है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ब्रशेस के टाइप हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक चूज करेंगे। तो जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर एक कलर ले रही हूँ। कलर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे। तो ऐसे ही हम ब्रश की मदद से ड्राइंग बना सकते हैं। लास्ट टूल है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ पॉलीगन। अ पॉलीगन इज क्लोज शेप मेड विथ थ्री और मोर लाइंस। पॉलीगन्स में थ्री और उससे ज्यादा लाइंस होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द पॉलीगन। पॉलीगन पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद क्या करना है, इन द शेप ग्रुप सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन बाय क्लिकिंग ऑन साइज बटन। सिलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप। ड्रैग द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। क्लिक ऑन ईच पॉइंट वेयर यू वॉन्ट टू ड्रॉ एन एडिशनल साइज। You will see that the point gets connected to the end point of the previous line. Repeat step 4 to draw as many lines as you want. Connect the first and last to complete the drawing. You can also double click on the complete the polygon. Shapes का जो group है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये पॉलीगॉन है। आप जब भी यहाँ पर माउस पॉइंटर रखेंगे तो नीचे आपको पॉलीगॉन लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और ड्राइंग एरिया में ड्रॉ करना है। तो मैंने उसको क्लिक किया है और जितनी चाहे उतनी लाइंस हम यहाँ पर बना सकते हैं।
हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पेंट खत्म हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अगले लेक्चर में सीख लेंगे। ओके, थैंक यू।